नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के खिलाफ किताब है 11th क्लास ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, अब यूनिट 2 पे आ गए हम लोग। क्या है यहाँ पे? फिजियोग्राफी। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिविजन्स और ड्रेनेज सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये जो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी नाम का चैप्टर नंबर 2 है इसको शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे हो रही है? तो वही बोल बच्चन बातें कि भाई अर्थ की अपनी एक हिस्ट्री है और आज अर्थ के ऊपर जिस प्रकार के भी लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं ये बहुत लंबे समय से इवॉल्व होने की वजह से बने हैं। कोई बोल बच्चन बात मैंने आपको नहीं बताई। लगभग 460 मिलियन ईयर्स पुराना है अर्थ, मतलब आप कह लीजिए 46 करोड़ साल पुराना है अर्थ। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना है, चूंकि एक एवरेज ह्यूमन बींग 70-75 साल जीता है, ठीक है। तो 46 करोड़ साल तो हमारी समझ के परे हो गया। अब अगर आप देखोगे तो इन लंबे ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं अर्थ पे, और ये चेंजेस दो प्रकार के हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक चेंजेस, मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। अब आप बोलोगे ये कौन सी फोर्सेज हो गई? तो एक्सोजेनिक फोर्सेज क्या हो गई? जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी बरसा, सूरज की किरण, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सूरज की किरण हो गई, हवा का बहाव हो गया, पानी की बरसात हो गई, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, ये भी हमारे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाती हैं। साथ साथ कुछ एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है। आपको पता है एस्टेनोस्फीयर में जो मोल्टन लावा मूव करता है, वो जो हमारे प्लेट होती हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स उनको तोड़ देता है, ओशनिक प्लेट्स को तोड़ देता है, ये प्लेट्स लगातार मूव पे हैं। तो इस प्रकार की फोर्सेस को आप एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर एक्ट कर रही हैं, ठीक है भाई। तो इन दोनों ही प्रकार की फोर्सेस ने अपना अपना रोल प्ले किया है हमारे सरफेस और सब सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ को अफेक्ट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, किताब में बता दिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स को फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में देख चुके हैं। 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी किताब है कंप्लीट हो चुकी है, जाके देख लीजिए, उस प्लेलिस्ट में 93 वीडियोस हैं और वो 93 वीडियोस सोने की तरह हैं आपके लिए। प्रीलिम्स का एग्जाम के लिए और मेंस के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए वो फिजिकल ज्योग्राफी की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा अगर ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट कोई किताब है तो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया की प्लेट इक्वेटर के साउथ में थी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले? तो पैंजिया का कंसेप्ट, लॉरेशिया का कंसेप्ट, गोंडवाना लैंड की कंसेप्ट की यहाँ पे बात कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आप देख सकते हैं परमियन पीरियड में लगभग 225 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 22.5 करोड़ साल पहले पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ये पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट दो भागों में टूट गया ट्रायसिक पीरियड में लगभग 20 करोड़ साल पहले। जो नॉर्दर्न भाग था वो था लॉरेशिया, जो सदर्न भाग था वो था गोंडवाना लैंड। अब इस गोंडवाना लैंड से टूट के जो इंडियन लैंड मास है यहाँ पे, ये देखिए ये अलग हो चुका है। और ये इंडियन लैंड मास जुरासिक पीरियड में, फिर क्रिटेशियस पीरियड में अपनी जर्नी कर रहा है कहाँ? टूवर्ड्स द यूरेशियन लैंड मास, लॉरेशिया की तरफ। तो हमारा जो लैंड मास है ना, दैट वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और वो पहले इक्वेटर के साउथ में था। तो इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओवरऑल जो इंडियन लैंड मास था, सॉरी एक दूसरा आर्टिकल खुल गया अभी, वो मैं पढ़ रहा था एक्चुअली, मैं अभी तालिबान के रिस्पेक्ट में ऐसी न्यूज में पढ़ता रहता हूँ, तो वो आर्टिकल्स मेरे कंप्यूटर में खुले रहे थे। चलिए तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इंडियन आप कह सकते हैं लैंड मास था, ये इक्वेटर के साउथ में था मिलियन ऑफ ईयर अगो, इसने धीरे धीरे अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी की, वो गोंडवाना लैंड से टूटा और ये धीरे धीरे नॉर्थ जाता गया और जाके फाइनली लॉरेशिया के लैंडमार्क से टकरा गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, हिमालयस बने। ओके, आप देख सकते हैं कि डू यू नो दैट इट वाज वेरी मच लार्जर इन साइज एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज अ पार्ट ऑफ इट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसकी पार्ट थी, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस प्लेट ब्रोक इनटू मेनी पार्ट्स एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव्ड टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ। कैन यू मैप डिफरेंट फेसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट? देखिए एक बार यहाँ पे मैप देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो पैंजिया दिख रहा है, पैंजिया के नीचे आपको ये इंडियन लैंडमार्क दिख रहा है और इंडियन लैंडमार्क के साथ ही जुड़ा हुआ है आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन लैंडमार्क नॉर्थ की तरफ गया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउदर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी। तो आज के डेट में आपको जो ऑस्ट्रेलिया नजर आता है दूर नजर आता है, इंडिया अलग नजर आता है। वैसे अगर आप टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करो तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही बताई जाती है।
जैसे आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखो, आप इस पर्टिकुलर फिगर में ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना, वो पहले पूरी एक थी, जैसे ये पूरी की पूरी आपकी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये कंटिन्यूअस डिवीजन दिख रहा है आपको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये प्लेट टूट गई। कहां पे टूटी है तो साफ साफ नजर आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, यहां पे ये प्लेट आपको टूटी हुई दिख रही है। तो अब इंडियन प्लेट आपको कितनी नजर आती है, अब इंडियन प्लेट आपको इतनी नजर आती है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इससे अलग हो चुकी है। इनफैक्ट ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थे, ये बहुत सारे अलग अलग भागों में टूटी है। गॉट इट? तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये जो नॉर्दर्न मूवमेंट है इंडियन प्लेट का, ये नॉर्थ मूव करती जा रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस नॉर्दर्न मूवमेंट के चलते जो आज की डेट में हमारे हिमालयाज ऐसे खड़े हुए हैं ना, ये इसी नॉर्दर्न मूवमेंट की वजह से है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, फोल्ड्स डेवलप हुए, फॉल्ट्स डेवलप हुए, थ्रस्टल प्लेन्स डेवलप हुए, इनके बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल हिमालय आज की डेट में इतने बड़े खड़े होते दिखे हैं। इस हिमालय की वजह से माउंटेन रेंजेस भी बनी है, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, कहीं ना कहीं नॉर्दर्न प्लेन्स के बनने में भी इन हिमालयस का काफी रोल है। पेनिनसुलर ब्लॉक तो खैर बहुत पहले ही आपका बन गया था। गॉट इट? तो यही लिखा हुआ है, द नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। तो भैया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर नॉर्दर्न प्लेट के मूवमेंट का बहुत इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इन्हीं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से और लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट, जो इंडियन प्लेट लड़ रही है ना कैलोरेशिया से, इस लैटरल मूवमेंट के चलते आप देखोगे कि बहुत सारे जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्टिव थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो आज भी एक्टिव है। और जो भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आज के डेट में आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नजर आ रहा है, वो इसी प्लेट मूवमेंट की वजह से नजर आया। अब अगर आप देखोगे तो हम इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के? एक है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक, एक है आपका हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और एक है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जैसे पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में बात की जाए, तो अगर हम नक्शे में देखें पेनिनसुलर ब्लॉक कैसा दिखेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे जोड़ रखी हैं एक एक करके आपको समझाने के लिए। ये जो आपको शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है। जितना भी आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये वाला इस फ्रेम में ऐसे, ये बेसिकली आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है। और थोड़ा बहुत ये आपको नॉर्थ ईस्ट में भी नजर आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, ये सब आप कह सकते हो ये हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक का ही हिस्सा है। अब देखिए पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में क्या क्या लिख रखा है। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक मे बी टेकन एज एन इररेगुलर लाइन रनिंग अलोंग द कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली रेंज नियर दिल्ली एंड देन रफली पैरेलल टू यमुना एंड गंगा एज फार एज राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा। तो क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार से चल रहा है भैया? कच्छ से शुरू हुआ, ठीक है ना भाई? ये गल्फ ऑफ खंबा था, ये रन ऑफ कच्छ है, ठीक है? ये आप कह सकते हो कि गल्फ ऑफ कच्छ और इसके बगल में जो रन ऑफ कच्छ वाला इलाका है, यहाँ से आपका पेनिनसुलर ब्लॉक ऐसा शुरू हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर ये है ना, यहाँ पे मैं अपना मार्कर घुमा रहा हूँ, इस स्ट्रेन पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे अरावलीज है। गॉट इट? तो अरावली को टच करता हुआ ये आपका जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो चलता है। यहीं पे देखिए लिखा हुआ कि रनिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज, तो अरावली रेंज को टच करता हुआ चलता है दिल्ली के पास से, यमुना और गंगा नदी के पैरेलल चलता है। यमुना और गंगा नदी के पैरेलल, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक, और यमुना नदी भी ऐसे बहती, गंगा नदी भी ऐसे बहती, तो उसके चलते इसको बोला जा रहा है कि यमुना गंगा के पैरेलल चल रहा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एज फार एज द राजमहल हिल्स एंड गंगा डेल्टा। तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक पूरा का पूरा राजमहल हिल्स तक और गंगा डेल्टा के पास तक जाता है। तो अब हमको भाई गंगा डेल्टा देखना है और राजमहल हिल देखना है, तो राजमहल आपको इस पर्टिकुलर फोटो में कहां नजर आ रहा है? यहां नजर आ रहा है राजमहल। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैप के माध्यम से बहुत सारी अलग अलग हिल्स की लोकेशन दिखाऊंगा, ये हिल्स की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप गंगा के डेल्टा की बात करते हो, तो गंगा भाई आपकी बांग्लादेश में भी एंट्री मारती है, उसकी ट्रिब्यूटरी इंडियन साइड से भी इंडिया की तरफ डेल्टा बनाती है। जो सुंदर बंस डेल्टा बनता है उसमें गंगा के पानी का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है भाई? तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक की हमने यहाँ पे खासियत देखी। तो ओवरऑल आपको पेनिनसुलर ब्लॉक पूरा यहां से शुरू हुआ रन ऑफ कच्चे के पास से, अरावली हिल से होता हुआ गंगा यमुना के पैरेलल होता हुआ राजमहल हिल्स के थ्रू होता हुआ पूरा यहां तक पहुंचा हुआ है।
और इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना, ये भी भाई आपका इसी पेनिनसुलर ब्लॉक में इंक्लूडेड है। फिर आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस द कार्बी एंगलोंग एंड द मेघालय प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। मतलब राजस्थान इन द वेस्ट ये इस ब्लॉक का एक्सटेंशन है। मतलब ओवरऑल ये जो आपका राजस्थान का इलाका है ना, इस पेनिनसुलर ब्लॉक को एक्सटेंड कर दो तो इधर आप कह सकते हो कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पेनिनसुलर ब्लॉक। इसका पार्ट नहीं है बट इसका एक्सटेंशन है। उसके साथ साथ ये देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि जो कार्बी एंगलोंग है और मेघालय है ये भी इसी का एक्सटेंशन है। मतलब यहाँ पे मेघालय प्लेटू पाया जाता है, यहाँ पे कार्बी एंगलोंग का प्लेटू पाया जाता है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मतलब इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, राजस्थान की बात की जाए ना तो राजस्थान का कुछ इलाका आपका ओवरऑल इस पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा है। अब चूंकि राजस्थान का कुछ इलाका आपका पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा है, इसलिए बोल दिया जाता है कि कुछ हद तक राजस्थान भी इस पेनिनसुलर ब्लॉक में आता है। ये अलग बात है कि पूरा का पूरा राजस्थान पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगा। ये जो डेजर्ट वाला इलाका है इसको एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन मान लिया जाता है। तो चूंकि अगर आप डेजर्ट वाले इलाके को एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन मान लेते हो तो फिर उसको आप पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा नहीं मानोगे। बट फिर भी राजस्थान का ठीक ठाक हिस्सा इस पेनिनसुलर ब्लॉक में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो राजस्थान है दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आर ऑल्सो एक्सटेंशन। मतलब राजस्थान पहुंच जाता है ये पेनिनसुलर ब्लॉक, राजस्थान के अच्छे खासे इलाके में पहुंच जाता है पेनिनसुलर ब्लॉक। पूरा राजस्थान आपका पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत राजस्थान आपका पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है। और उसके आगे जो आपका डेजर्ट वाला पूरा इलाका है राजस्थान का, आप कह सकते हो कि ओवरऑल ये अलग है बट राजस्थान का एक साइजेबल अमाउंट ऑफ हिस्सा आता है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोला गया। फिर भाई कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू ये नॉर्थ ईस्ट में भाई इसके एक्सटेंशन है, मतलब इसके पार्ट है। तो भाई देख लेते हैं एक बार कार्बी एंगलोंग और मेघालय के प्लेटू को। तो इधर देखिए मेघालय प्लेटू ये जो पूरा का पूरा स्टेट है आपका मेघालय का, इसको आप मेघालय प्लेटू बोल सकते हो। और कार्बी एंगलोंग के दो इलाके दिख रहे हैं, एक ये इलाका दिख रहा है आपको, ये इलाका दिख रहा है, ये भी भाई आपके पेनिनसुलर ब्लॉक के ही पार्ट है। ठीक है, ये पेनिनसुलर ब्लॉक के आपके पार्ट है। ठीक, आप बोलोगे कि इस पर्टिकुलर मैप में ये जो आप कह लो कि ये बीच का हिस्सा है ये क्यों नहीं इंक्लूड किया है। तो बीच का हिस्सा इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि भाई देखिए ये हमारे देश का पार्ट नहीं है, एक्चुअली बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के फिजियोग्राफिक डिविजन को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बीच में यहाँ पे एक मालदा फॉल्ट है। आप बोलोगे मालदा फॉल्ट का क्या सीन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन राजस्थान डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक। ये वाला जो स्टेटमेंट है राजस्थान डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक, मतलब ओवरऑल जहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंड कर रहा है वहां पे कुछ डेजर्ट लाइक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस पेनिनसुलर ब्लॉक में। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक में ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू ये पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है आप कह सकते हो। और ओवरऑल जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है तो उस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग करता है मालदा फॉल्ट। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे आते हो तो अगर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ नजर आता है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट ये कह सकते हो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है। तो सेपरेट कौन कर रहा है इन दोनों को, यहाँ पे एक मालदा फॉल्ट है ये इसको सेपरेट कर रहा है। तो मालदा फॉल्ट का मतलब क्या हो गया, फॉल्ट मतलब जमीन यहाँ पे थोड़ी सी टूट गई, प्लेट यहाँ पे पूरी नहीं टूटी, क्योंकि प्लेट यहाँ पे पूरी टूट जाएगी तो एक रिफ्ट वैली डेवलप होगी और रिफ्ट वैली धीरे धीरे बड़े होकर पूरा का पूरा लैंडमास अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बट हल्का क्रैक आया है जमीन में। और ये जो क्रैक आ जाता है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट में इसको आप क्या बोलते हो, फॉल्ट बोल देते हो। और ऐसा ही एक मालदा फॉल्ट इस पर्टिकुलर इलाके में बना है। इस मालदा फॉल्ट के चलते ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये कंटिन्यूस नहीं हो पाया, ओवरऑल छोटा नागपुर इधर वाला पेनिनसुलर ब्लॉक नॉर्थ ईस्ट वाले पेनिनसुलर ब्लॉक से अलग हो गया। फिर क्या बात की जा रही है, तो पेनिनसुला में बहुत सारे एंशियंट ग्नीशियस और ग्रेनाइट्स आते हैं। मैं ग्नीशियस और ग्रेनाइट्स के बारे में पहले के वीडियोस में आपसे बात कर चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट। मैंने आपसे बोला ना कि बहुत सारी चीजें मैंने पहले एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में कवर करता आ रहा हूँ लैंडफॉर्म्स में, तो वहां मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अलग से बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिर बात किया जाए, सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड द पेनिनसुला हैज बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक विद द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट विच इज सबमर्ज्ड बीनीथ द सी। आज की डेट में जो द्वारका का इलाका आपको नजर आता है ना, वहां पे पहले एक और लैंड हुआ करता था जिसपे द्वारका सिटी हुई करती थी, बट वो जो लैंड था
वो इंडियन लैंडमार्क से टूट के समुन्द्र के नीचे चला गया। तो ओवरऑल क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा ये आप कह सकते हैं पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला है, ये एक रिजिड ब्लॉक है, बहुत पुराना ब्लॉक है, बहुत स्टेबल ब्लॉक है, बहुत स्ट्रांग ब्लॉक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि जो वेस्टर्न एज है, यहाँ पे वेस्टर्न एज पे कुछ जो जमीन है वो हमारे इस पेनिनसुला से टूट गई और समुन्द्र में डूब गई। तो जो द्वारका की एंशियंट सिटी है वो समुन्द्र के नीचे है। अगर गोता होता खोर नीचे लगा के जाएंगे तो वहां पे द्वारका की एंशियंट सिटी मिल जाएगी, वो पूरी की पूरी जमीन के नीचे चली गई है। गॉट इट? ये सब बातें आप बताई जा रही है। तो क्या बताया गया कि जो हमारा पेनिनसुला है रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा टूट के समुन्द्र के नीचे सबमर्ज हो गया। एंड सम अदर पार्ट्स चेंज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। टेक्टोनिक एक्टिविटी के चलते कुछ पार्ट्स हमारे पेनिनसुला के बदल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैक कॉटन सॉयल के बारे में सुना होगा, ब्लैक सॉयल के बारे में सुना होगा। तो ओवरऑल इंडियन पेनिनसुला का ये जो लैंड मास है, मैंने पहले पढ़ाया आपको ब्लैक सॉयल के बारे में, यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक सॉयल पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जब हमारा इंडियन लैंड मास नॉर्दर्न मूवमेंट कर रहा था तो किसी टेक्टोनिकली एक्टिव जोन से गुजरा था, तो वहां पे बहुत सारा जो लावा था ना वो हमारे लैंड मास के ऊपर एमिट हुआ था और वो लावा जमा हो गया। करोड़ों साल तक उस लावा के ऊपर एटमॉस्फेरिक एक्शंस हुए और आज की डेट में वो ब्लैक सॉयल में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसी टेक्टोनिक एक्टिविटी। यहाँ पे तो एनसीईआरटी में लिख देते हैं कि भाई इंडियन पेनिनसुला के कुछ पार्ट्स बदल गए हैं ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो आप लोग बोलोगे भाई कौन सी टेक्टोनिक एक्टिविटी? तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी मैंने बताई, फिर से बता रहा हूँ, रिपीटेड पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट कैसे, मैंने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले भी दिखाई है और कहाँ पे इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटी हुई है ये भी मैंने आपको दिखाया। अच्छा, ये जो हमारे इंडियन प्लेट मूवमेंट है इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग। ब्लॉक फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉक फॉल्टिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक कंटिन्यूस ऐसा लैंड मास है, अब ये बीच में लैंड मास कहीं से टूट गया, ठीक है, तो टूटने में क्या हुआ कि एक पार्ट इसका नीचे की तरफ खिसक गया, एक पार्ट इसका नीचे की तरफ खिसक गया। तो अब ये कैसा नजर आएगा? अब ये कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। पहले ये कंटिन्यूस था, अब ये टूट के नीचे आ गया, तो ओवरऑल कंटिन्यूस नहीं है, ये एक हिल की तरह उठा हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को आप ब्लॉक फॉल्टिंग बोलते हो। ब्लॉक माउंटेन्स कुछ ऐसे ही बनते हैं कि पूरी की पूरी आप कह सकते हो एलिवेटेड लैंड रेंज है, थोड़ा पार्ट टूट के नीचे गिर गया तो बचा हुआ पार्ट उठा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे बनते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। गॉट इट? तो वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट अब एकदम से, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर हिस्सा टूट के नीचे गिरा तो ये भी एक प्रकार का अर्थ का वर्टिकल मूवमेंट ही तो हुआ ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई हैं आपके इंडियन लैंड मास में, ठीक है। अब इसमें रिफ्ट वैलीज भी बनी है, फॉल्टिंग हुई है। फॉल्टिंग, फॉल्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा द तापी महानदी एंड सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स आर सर एग्जाम्पल ऑफ इट। अब आप बोलोगे रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली तो वहां बनती है ना जहां पे हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट टूट रही हो। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो रिफ्ट वैली बनी है, रिफ्ट वैली में आप कह सकते हो कि जिस जगह पे रिफ्ट वैली बन रही है उस जगह पे जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो शायद थोड़ी थोड़ी चटक रही है, जो चटक रही है तो वहां पे खड्डा बन गया है, उस खड्डे में आप कह सकते हो कि नदियां फ्लो हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रिफ्ट वैली बनी है आपकी नर्मदा की, तापी की बनी है, महानदी की बनी है, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स इसके कुछ एग्जाम्पल है। ओके, तो देखते हैं जैसे कि नर्मदा की रिफ्ट वैली को देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर इमेज में आपको ये नर्मदा बहती हुई नजर आ रही है, ये नर्मदा यहाँ से बहती हुई आ रही, इसके अंदर आप कह सकते हो कुछ ट्रिब्यूटरीज भी गिर रही हैं। ये नर्मदा गई और ओवरऑल गल्फ ऑफ खम्बत में जाके गिर गई। अब ये नर्मदा किन दो रेंजेस के बीच में बह रही है? विंध्यन रेंज के बीच में बह रही है, सतपुरा रेंज के बीच में बह रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी फॉल्टिंग हुई है कि यहाँ पे जो प्लेट है हमारी इंडियन प्लेट वो थोड़ी चटक सी रही है, तो उस चटकने के चलते यहाँ खड्डा हो गया है, उस खड्डे में से एक नदी बह रही है जिसका नाम है नर्मदा नदी। और इसीलिए ये नदी एक्सेप्शन है, क्योंकि जब हम नदियां देखेंगे, ड्रेनेज देखेंगे, तो आपको सारी नदी इस डायरेक्शन में बहती नजर आई होंगी। देखिए आप ये देखिए कि सिंध देख लीजिए, बेतवा देख लीजिए, केन देख लीजिए या सोन देख लीजिए, ओवरऑल जो नदियां हैं काली सिंध धीरे धीरे, बनास देख लीजिए, साबरमती देख लीजिए, ये सब आपकी आगे जाके यमुना में मिल रही है और यमुना आपकी गंगा में मिल रही है। तो नदियों का फ्लो इस तरफ नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ढलान है इस तरफ है, ढलान ऐसी है,
नहीं, नदियां इस तरीके से बह रही है, ढलान ऐसी है, लेकिन एक नर्मदा ऐसी नदी नजर आ रही है, कुछ हद तक तापी ऐसी नदी आ रही है जो कि भाई आपके वेस्ट बह रही है। तो इसके वेस्ट में बहने की वजह है आपका रिफ्ट वैली। यहाँ पे जो हमारी प्लेट है वो थोड़ी चटक रही है, चटकने से खड्डा बन गया, उसके अंदर नदी बह रही है, दोनों तरफ आपको माउंटेन रेंजेस नजर आएंगी। आपको पता है ये जो नर्मदा नदी है बहुत सीनिक लोकेशंस में बहती है, अगर आप इसको बहते हुए देखोगे ना बड़ी खूबसूरत सी लगती है। ये वन ऑफ द इमेजेस है, नर्मदा इज इन फ्लो, आपको दोनों तरफ माउंटेन्स दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ माउंटेन से घिर के ही ये नदी बह रही है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। उसी प्रकार से नीचे की तरफ आपको तापी बहती हुई नजर आ रही है, तो इधर देखिए आपको तापी दिख रही है, तापी के नॉर्थ में सतपुरा माउंटेन रेंज हो गई। अच्छा, तापी के साउथ में बहुत सारे हिल्स दिखेंगे आपको, यहाँ पे सतमाला हिल दिख रहा है, अजंता रेंज दिख रही है, गाविलगढ़ हिल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है भाई, फिर देखें तो आपको महादेव हिल्स दिख रहे हैं, मैकाल रेंज दिख रही है इधर, यहाँ पे कैमूर हिल्स दिख रहे हैं, बघेलगंड प्लेट्यू, बंदेर प्लेट्यू, रामगढ़ हिल्स, गर्जत हिल्स, यहाँ हजारीबाग प्लेट्यू, नीचे छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू के इधर आ जाओगे तो आपको मालदा फॉल्ट मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे राजमहल हिल्स। तो ये हिल की लोकेशन अक्सर कर याद रखना। देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक एक हिल के बारे में पढ़ो कि वो कौन से स्टेट में एक्सटेंड कर रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर रहा है। इस प्रकार के सवाल लोकल पीसीएस में आते हैं, ये यूपीएससी में नहीं पूछे जाते, तो पीसीएस की प्रिपरेशन में तो आप पढ़ोगे ही, बट कौन सा हिल कहाँ पे ये तो आपको देखो जानना ही पड़ेगा, कौन सा हिल कहाँ इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे नर्मदा नदी बहती दिख रही है, नीचे तापी नदी बहती हुई दिख रही है, तो तापी नदी के साउथ में ही आपकी सतमाला हिल्स या अजंता रेंज है, याद रखिएगा। तापी नदी जहां से बह रही है उसके जस्ट नॉर्थ में आपको गाविलगढ़ हिल्स दिख रहे हैं, सतपुरा रेंज के साउथ में आपको यहाँ पे महोदय हिल्स दिख रहे हैं, इस तरफ आ जाओ तो आपको मैकाल रेंज दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे ऑलमोस्ट आपको नजर आ रहे हैं, फिर रामगढ़ हिल्स दिख रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में, इधर उड़ीसा में आपको गर्जत हिल्स दिख रहे हैं, ऊपर छोटा नागपुर प्लेटू आपको दिख जाएगा। तो ये हल्की फुल्की लोकेशंस देखिए मैप की आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। फिर क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है उसमें बहुत सारे रेलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स लेंस पाए जाते हैं, जैसे अरावली हिल्स हो गया, नल्ला मल्ला हिल्स हो गया, जावड़ी हिल्स हो गया, वेलीकोंडा हिल्स हो गया, पालकोंडा रेंज हो गया, महेंद्रगिरी हिल्स हो गया, इनकी जो रिवर वैलीज है शेलोन, ऑब्वियस बात है ये जो हिल्स हैं काफी इरोडेड हिल्स हैं, तो इन हिल्स की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है तो अगर जो दो हिल्स हैं उनके बीच की जो रिवर वैली होगी ना वो कोई बहुत डीप रिवर वैली नहीं होगी। जहां पे हिल्स बहुत ऊंचे होते हैं वहां पे रिवर वैलीज भी बहुत डीप बनती हैं, जहां पे हिल्स ही छोटे छोटे हैं वहां पर रिवर वैलीज भी शैलो ही बनेंगी, ज्यादा डीप नहीं बनेगी, उनका ग्रेडियंट भी कम होगा क्योंकि हिल बहुत ज्यादा इरोडेड है। तो क्या नजर आ रहा है कि पेनिनसुलर ब्लॉक में अरावली हिल, नल्ला मल्ला हिल, जावड़ी हिल, वेलीकोंडा हिल, पालकोंडा रेंज, महेंद्रगढ़ी हिल्स। अब देखिए ये हिल्स कहाँ कहाँ पे इनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, केवल यही नहीं पूरे इंडियन लैंडमार्क पे जो भी इंपॉर्टेंट हिल्स कहाँ कहाँ पे हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर आप इस नक्शे को देखो तो अरावली रेंज आपको कुछ इस तरीके से यहाँ नजर आ जाएगी, फिर इधर विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज बता दी, इसके बीच में आपकी नर्मदा नदी बह रही, सतपुरा रेंज के साउथ में आपकी तापी नदी बह रही, इधर मायोदेह राम ये आपका महादेव हिल्स है, उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो गाविलगढ़ हिल्स है, ईस्ट में जाएंगे तो मैकाल रेंज आपको दिख जाएगी, उसके ईस्ट में रामगम हिल्स दिख जाएंगे, उसके नॉर्थ में सोनपड़ हिल्स दिख जाएंगे, गर्जत हिल्स यहाँ दिख जाएंगे, गर्जत हिल्स के नॉर्थ में जाओगे तो आपको राजमहल हिल्स दिख जाएंगे, अजंता रेंज मैंने आपको दिखाई थी किसके साउथ में, तापी नदी के साउथ में, बगल में सतमाला रेंज है, थोड़ा और पेनिनसुलर ब्लॉक में साउथ में जाओगे तो यहाँ पे आपको नल्ला मल्ला हिल्स, पालकोंडा रेंज, जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। तो ये ऑर्डर अगर याद सकते तो याद कर लो, नल्ला मल्ला उसके साउथ में, पालकोंडा उसके साउथ में, जवादी उसके साउथ में, शेवरॉय और साउथ में चले जाइए तो नीलगिरी हिल्स, फिर उसके साउथ में अनामलाई, कार्डमम हिल्स। तो ये हिल्स की लोकेशन का एक बेसिक आइडिया, बस इतना याद रखें। वैसे यूपीएससी में हिल्स पे बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाए ये तो नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटिवली आप इन लोकेशंस की आप कह सकते हो कि मैप पे एक कहते हैं ना कि बेसिक लेआउट इसका आप याद रखो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक्चुअली में हिल्स न्यूज में कब रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नीलगिरी हिल्स की बात कर लो तो दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इधर आप शेवरॉय जवाड़ी की बात कर लो ये सब ईस्टर्न घाट्स के पास है। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पे बहुत सारी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र आता है तो बता दिया जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस पर्टिकुलर हिल के बगल में, तो फिर वो हिल रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना,
हालांकि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, ये हिल्स हैं, तो सीधे सीधे इनसे सवाल बने ना बने, बट एक बेसिक आइडिया अगर आपको इन हिल्स के ओरिएंटेशन के बारे में है, आपके दिमाग में छोटी सी इमेज कि यहाँ भाई नल्ला मल्ला यहाँ था, पालकुंडा यहाँ था, जवाड़ी यहाँ था, शिवरा यहाँ था, नीलगिरी यहाँ था, काठमम इधर, अन्नमल्ला इधर, रामगढ़ इधर, मैकाल यहाँ पे, विंध्यन सतपुरा, क्या विंध्या सतपुरा तो आपको नर्मदा की वजह से याद रहेगा, अरावली हमको वैसे याद रहता है क्योंकि मानसून के समय पे इसको हम लोग पढ़ते हैं, सतमाला हिल्स हो गया, अजंता रेंज हो गया, ये सब बड़ी कॉमन रेंज है, राजमहल हिल ये सब बहुत कॉमन है, मालदा गैप्स के पास है, तो कुछ हिल्स आपको याद रहेंगे, कुछ हिल्स जैसे कि पालकुंडा, जवाड़ी, शेवराय, इन सबको याद करने में आपको थोड़ा चैलेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको ज्यादा इमेजेस देखनी पड़ सकती है, ठीक है भाई। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे देखी, तो ये हमने पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में देखा। अच्छा, पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन से थोड़ा ऊंचाई पे है, नॉर्दर्न प्लेन से थोड़ा उठा हुआ है। आपको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन में जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा यमुना रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र इधर आपकी आसाम से बहते हुए आती है, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बीच में केंद्र की सरकार ये प्लान डिस्कस कर रही थी कि जो हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार की जो नदियां, इनमें कभी कभी पानी कम हो जाता है, तो जब इनमें पानी कम हो जाता है तो एक प्लान सामने पुटअप किया गया कि एक काम करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो नदियां बह रही हैं उससे पानी खींच के हम लोग अपनी साउदर्न नदियों में ले आते हैं। तो यहाँ पे जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आई, वो प्रॉब्लम ये थी कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, वो नॉर्दर्न प्लेन से थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, तो एक ग्रेडियंट सा दिखता है, इसलिए आप देखो कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स काफी मुश्किल हो जाती है नॉर्दर्न प्लेन की और साउदर्न पेनिनसुलर ब्लॉक की। रीजन, जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है वो नॉर्दर्न प्लेन से थोड़ा ऊंचा है, ठीक है भाई, एक चीज दिमाग में रखना। फिर इसके बारे में आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूं। देखिए, ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है हमारा, इसका जो ग्रेडियंट है वो किस टाइप का है, मतलब जो स्लोप है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक का, ये इस टाइप का है, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ एक नेचुरल स्लोप दिख रहा है, होता है ना जैसे कि ग्रेजुअल स्लोप ऐसा, तो अब चीज ऐसी है, ऐसी है, अगर चीज ऐसी है तो ऐसे बहेगा ग्रेविटी वैसे, अगर चीज ऐसी है तो ऐसे बहेगा ग्रेविटी वैसे, तो कुछ ऐसा ही है, ये जो हमारा इंडियन लैंड मास है इसका जो ग्रेडियंट है ना, ये इस तरफ है, तो जो भी नदियां आपको बहती हुई दिख रही हैं वो आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हुई दिख रही है। दो तीन नदियां आपको एक्सेप्शन दिखती हैं, जैसे नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई, चूंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और रिफ्ट वैली में गड्ढा खुदा हुआ है और वहां पे ग्रेडियंट थोड़ा वेस्ट हो गया है, इसलिए नर्मदा तापी आपका वेस्ट बह रही है, लेकिन ज्यादातर नदियां आपको ईस्ट बहती नजर आ रही है चूंकि ग्रेडियंट आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और ये नदियां खूब सारा सेडिमेंट उड़ाती हुई आएंगी और बे ऑफ बंगाल में बड़े बड़े डेल्टा बनाएंगी, जैसे महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, इनके बड़े बड़े डेल्टास बनते हैं आपके कहाँ पे, आपके बे ऑफ बंगाल में। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स की। अगर आप हिमालय की बात करो तो ये आप कह सकते हो यंग है, वीक है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है भाई। पेनिनसुलर माउंटेन्स उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, पेनिनसुलर ब्लॉक काफी, हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक के जो हिल्स हैं वो बहुत नीचे हैं, तो ओल्ड स्टेज में। इसका क्या मतलब है कि कभी हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक के जो हिल्स रहे होंगे ये भी बहुत ऊंचे रहे होंगे, लेकिन इरोड हो के छोटे हो गए, क्योंकि हिमालय अभी इतना इरोड हुआ नहीं है, तो ये यंग एज में, हो सकता है करोड़ों साल बाद हिमालय भी अरावली हिल्स जितना ही ऊंचा रह पाए, इतना ज्यादा इरोजन हो, समझ गया बात को। तो अभी भी हिमालय में बहुत सारे एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस हैं प्ले पे, बहुत सारे फॉल्ट और फोल्ड्स बनते हैं, फॉल्ट और फोल्ड समझ रहे हैं ना, फोल्ड मतलब अब इधर से इंडियन प्लेट गई, इधर से आपकी यूरेशियन प्लेट आई, दोनों टकराए, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट से दोनों ने एक दूसरे पर टक्कर मारी और एक दूसरे के ऊपर रॉक चढ़ाते गए, तो पहले थ्रस्टल प्लेन बने और उसके बाद वो चढ़ चढ़ के फोल्ड्स में कन्वर्ट हो गए और हिमालय फोल्ड माउंटेन की तरह खड़ा हो गया आपके सामने। तो ये थ्रस्ट प्लेन और फोल्ड्स कब बनते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है जोर मार रही है, रॉक्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी चली जा रही है, तो रॉक्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी चली जा रही है तो थ्रस्ट प्लेन बन गया। अब जरूरत से ज्यादा एक दूसरे को धक्का मारा, देखे रॉक्स एक दूसरे के साथ टकराई, एक रॉक थोड़ी नीचे हो गई, एक उसके ऊपर आके बैठ गई, तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक प्रकार का थ्रस्ट प्लेन बन गया। जब दो रॉक टकराई, कोई किसी के ऊपर नहीं चढ़ा लेकिन एक दूसरे के साथ फोल्ड होने की वजह से ऊपर जाने लगे, तो हिमालयस बन गया आपके। तो कहीं कहीं पे थ्रस्टल प्लेन बन जाते हैं, कि भाई एक रॉक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, ओवरऑल एक स्ट्रेस की सिचुएशन वहां पे बन गई, वो थ्रस्टल प्लेन है। तो दो रॉक यहाँ पे टकरा रही है, एक रॉक नीचे सबमर्ज हो गई, एक ऊपर चढ़ गई, तो एक कॉम्प्लेक्स रॉक स्ट्रक्चर बन गया, इसको आपने थ्रस्टल प्लेन बोला। और जब दो राउट्स करोड़ों साल से एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं,
तो वहां फोल्ड डेवलप होते गए, चट्टान ऊपर की तरफ खिसकती गई, हिमालय खड़े हो गए, ये फोल्ड माउंटेन्स हो गए। फॉल्ट कहाँ होते हैं? फॉल्ट वहां बनते हैं जहां पे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो थोड़ी चटक जाए, टूट जाए, तो वहां फॉल्ट बनते हैं। ज्यादा बड़ा फॉल्ट हो गया तो रिफ्ट वैली बन जाएगा। तो जो हिमालयाज हैं ये टेक्टोनिक हैं और इनको फास्ट फ्लोइंग नदियां काटती हुई जाती हैं। ओके, ये जो फास्ट फ्लोइंग नदियां हैं ये अपने यूथफुल स्टेज में, यूथफुल स्टेज में कैसे, नदी का एक कोर्स होता है, एक बड़ी माउंटेन से एक नदी निकली, यहां देख लीजिए ये माउंटेन है, एक माउंटेन से नदी निकली, नदी निकली बहुत तेज बह रही है, बहुत तेज बह रही है, रास्ते में सब कुछ तोड़ता ताड़ते जा रही है। फिर आगे पहुंचे तो भाबर बेल्ट आई, फिर भंगर बेल्ट आई, फिर खादर बेल्ट आई, तेराई बेल्ट बीच में आई थी, फिर आगे चलती जाएगी चलती जाएगी, फाइनली समुद्र में जाके गिर जाएगी। तो शुरुआती जो स्टेज होगा वो यंग स्टेज होगा, फिर बीच में आपका मैच्योर स्टेज आ जाएगा, और फिर एंड में आपका ओल्ड स्टेज आ जाएगा। तो रिवर के जो स्टेजेस हैं ये भी मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ फिजिकल ज्योग्राफी में। ये मेरी 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है ना, उसके चैप्टर 7 की जो पार्ट 2 मैंने वीडियो बना रखी है, P2C7 वाली 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी किताब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां पे वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेजेस ऑफ द रिवर, ये मैंने सब समझा रखे हैं। और वहां पे रिवर की वजह से जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी मैंने बता रखे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिवर की स्टेजेस ये यूथफुल, ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं पहले बता रखा हूँ। और अपने यूथफुल स्टेजेस में जो रिवर्स हैं ये गॉर्जेस बनाती हैं, वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं। तो वी शेप्ड वैली कैसे बनाएंगे? एक पहाड़ बड़ा सा था, ऐसा पूरा पहाड़ है, बीच से काट दिया तो एक पहाड़ ऐसा नजर आ रहा है, एक पहाड़ ऐसा नजर आ रहा है, बीच से नदी बह रही है, तो एक वैली बन गई ना आपको, एक वी शेप्ड वैली बनती है आपको नजर आ रही है। वाटरफॉल, तो एकदम से चट्टाने काट के बिल्कुल नीचे गिरा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऐसा पहाड़ है, तो नदी आई ऐसे बहती हुई, यहाँ पे एकदम से उसको स्टीप हाइट बढ़ी, नीचे गिर गई, तो वाटरफॉल हो गया आपका। गॉर्जेस क्या होते हैं? गॉर्जेस भाई एक बड़ा सा पहाड़ था, उसको बीच से काटते हुए नदी निकली, तो गॉर्जेस कैनियंस, तो दोनों तरफ पहाड़ खड़े हुए हैं, बीच से नदी बहुत तेजी से बह रही है, तो इस प्रकार से गॉर्जेस और कैनियंस बह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गॉर्ज, तो यहाँ पे यही नजर आ रहा है आपको, अब ये गॉर्ज बीच से नदी बह रही है और दोनों तरफ आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो उस पहाड़ को काट के निकली है नदी, समझ गए? पहले पहाड़ कंटिन्यूस था, नदी इतनी तेज बही बीच में कि काट ही दिया उसने पहाड़। तो इस प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो आपको नदी के यूथफुल स्टेज में मिलते हैं। सब रिपीटेड है, सब मैंने पहले पढ़ाया है। फिर से 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी किताब देखो और 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी किताब देखो। वैसे ज्योग्राफी अब तक मैंने जितनी पढ़ा रखी है एनसीईआरटी सब देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर बात करते हैं किसकी? इंदो गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन की। ये जो थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है हमारे देश का वो है इंदो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये प्लेन्स बने हैं इंदस नदी की वजह से, मतलब इंदस रिवर सिस्टम की वजह से, गंगा की वजह से, ब्रह्मपुत्र की वजह से। अब अगर आप देखो तो इंदस रिवर सिस्टम में आपकी 6 नदियां हैं, इंदस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। एक्चुअली में पूरा का पूरा इंदस रिवर सिस्टम वर्ल्ड बैंक के एक ट्रीटी की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इंदस वाटर ट्रीटी। 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी ब्रोकर की गई थी वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस ट्रीटी के अनुसार इंदस चेनाब झेलम का पानी पाकिस्तान को लोकेटेड है, रावी बी सतलज इंडिया को लोकेटेड है, बट पाकिस्तान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है और अभी हम लोग सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये बस मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी। हमारे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में इंदस नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों यहाँ पे एक मेजर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। यहाँ पे एक जियो सिंक्लोनल डिप्रेशन बनता है विच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रॉक्सिमेटली 64 मिलियन ईयर्स अगो। मुझे पता है आपको एक भी शब्द नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूँ। सिंस देन इट हैज बीन ग्रेजुअली फिल्ड अप बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। एवरेज डेप्थ ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन दिस प्लेन रेंजेस अबाउट 1000 से 2000 मीटर। समझा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ। इट इज एविडेंट दैट द अबव डिस्कशन दैट आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अमंग द डिफरेंट रीजंस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल सेक्टर देयर आर फार रीचिंग इंपैक्ट अपॉन वेरियस रिलेटेड एस्पेक्ट्स वेरियस। ये सब ठीक है, अब समझिए मैंने क्या बोला। ये जियो सिंक्लोनल जो चीज आपके सामने लिखी है थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी। क्या है भाई ये आपका जियो सिंक्लोनल डिप्रेशन? ये जियो सिंक्लोनल डिप्रेशन की जरूरत है समझने की। और ये हमारे एल्यूवियल डिपॉजिट्स 1000 मीटर से 2000 मीटर, मतलब ये जो यूपी और बिहार में जो आपको एल्यूवियल सॉइल मिलता है ये 1 से 2 किलोमीटर गहरा है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक फिगर से चीजें समझाना चाहता हूँ। फिगर आपको कुछ आगे ऐसा नजर आएगा, सॉरी मैं थोड़ा नीचे आ गया, मुझे ऊपर, मैंने बहुत सारे फिगर यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए जोड़ रखे हैं। इस पर्टिकुलर फिगर को देखो,
ना आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन में डिप्रेशन सा नजर आ रहा है, फिर आगे आपको पेनिनसुलर प्लेटू दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ बेस ऑफ द जियोसिंक्लोनल मेड अप ऑफ हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक, और उससे पहले आपको शिवालिक दिख रहा है, लेसर हिमालयस दिख रहे हैं, ग्रेटर हिमालयस दिख रहे हैं। इसको मैं एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो नॉर्दर्न प्लेन आपको बनता नजर आया, कितने इलाके में बनता नजर आया, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, ये पूरा का पूरा आपको हिस्सा जो दिख रहा है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा आपको नॉर्दर्न प्लेन दिख रहा है, ये पूरा पूरा आपको नॉर्दर्न प्लेन दिख रहा है। अब इस नॉर्दर्न प्लेन की जो गहराई है वो 1 से 2 किलोमीटर, इसका क्या मतलब है? इस नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में जाओगे तो आपको शिवालिक दिखेगा, फिर मिडिल या लेसर हिमालयस दिखेंगे, और उसके बाद आपको ग्रेट हिमालयस दिखेंगे। इधर आपको तिब्बत प्लेट्यू दिख रहा है। अब इसको आपको इस एक्सटेंट में देखना है, इसको मैं नॉर्थ मान लेता हूं और इसको मैं साउथ मान लेता हूं। तो नॉर्थ से साउथ फिगर प्लॉट करते हैं। यहां पे नॉर्थ है आपका तिब्बतन प्लेट्यू और साउथ है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इस पर्टिकुलर फिगर में भी आप देखोगे तो नॉर्थ यहां जहां मैंने मार्क कर रखा है तिब्बतन प्लेट्यू है, और साउथ में हम लोग अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू में पहुंच गए। तो नॉर्थ टू साउथ पहले आया तिब्बत, फिर आया आपका ग्रेट हिमालयन रेंज, फिर लेसर, फिर शिवालिक, फिर आपके नॉर्दर्न प्लेन। और नॉर्दर्न प्लेन में आपका एक खड्डा है, इस खड्डे को अब मैं यहाँ पे आपको फिगर पे प्लॉट करता हूँ। यहां देखिए, इधर था तिब्बत, ठीक है, तिब्बत ठीक ठाक ऊंचाई पे है। तिब्बत के आगे आया आपके ग्रेटर हिमालयस, फिर थोड़े कम हाइट के लेसर हिमालयस, फिर थोड़े और कम हाइट के शिवालिक हिमालयस, फिर भैया आपका एक यहाँ पे डिप्रेशन आ गया, ठीक है, एक खड्डा आ गया, और फिर आगे गए तो आपका आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे तिब्बत है, ये ग्रेट हिमालयस है, ये लेसर हिमालयस है मिडिल वाले, और ये शिवालिक है, और इधर आपका ओवरऑल खड्डा हो गया। ये खड्डा है आपका जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का। अब आप बोलोगे ये डिप्रेशन बना कैसे? ये डिप्रेशन बना कुछ ऐसे, इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। जो इंडियन प्लेट थी, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ, मेरा फिगर बहुत गंदा बनाने का, इसलिए रियली सॉरी, बहुत गंदा फिगर बनाऊंगा, बट जैसे तैसे मैनेज करिए। ये जो इंडियन प्लेट थी ये ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो यहाँ हर जगह पे आपको हिमालयस खड़े नजर आ गए, ये बड़े बड़े हिमालयस खड़े हुए। अब जब नीचे की इंडियन प्लेट कितना भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो वो यूरेशियन प्लेट की तरफ धक्का मार रहा है तो इंडियन प्लेट में एक स्ट्रेन आएगा। तो अब आप देखो कि जब आप किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज की तरफ धकियाओगे तो स्ट्रेन आएगा। तो ये इंडियन प्लेट अगर ऐसे धक्का मार रही है तो इंडियन प्लेट के इस रीजन में एक स्ट्रेस बनेगा, और उस स्ट्रेस के चलते जो रीजन है वो थोड़ा नीचे दब जाएगा। क्यों नीचे दब रहा है? क्योंकि आगे वाला जो रीजन है इस प्लेट का वो हिमालयस बना रहा है, और वो हिमालयस ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो जब वो हिमालयस ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ये प्लेट है इंडियन प्लेट, अब आगे फोल्ड बन रहे हैं, हिमालयस ऊपर उठ रहे हैं और इस तरफ धक्का मार रही है इंडियन प्लेट, इस तरफ से यूरेशियन प्लेट धक्का मार रही। तो चूंकि हमारी इंडियन प्लेट इस तरफ से धक्का मार रही, हिमालयस ऊपर उठ रहे हैं, तो यहाँ पे धक्का मारने के चलते एक स्ट्रेन डेवलप होगा, और इस स्ट्रेन के चलते ये जो जमीन है यहाँ झुक जाएगी, और ये जो जमीन यहाँ झुक रही है ना, यही जियोसिंक्लिनल आपका डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन आपको कुछ इस फॉर्म में नजर आ रहा है, और ये पहले डिप्रेशन बन गया, मतलब खड्डा बन गया 102 किलोमीटर का। आप बोलोगे 102 किलोमीटर खड्डा? बिल्कुल, आप हिमालयस की हाइट देख लो, जिस प्रकार की इंडियन प्लेट हो, जिस प्रकार का स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, तो 1 से 2 किलोमीटर खड्डा दिख गया। लेकिन जब आप कभी यूपी बिहार में जाते हो आपको खड्डा नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां पे सॉयल भर चुका है, वहां पे सॉल्ट भर चुका है, वहां पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स भर चुके हैं। और वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स कौन लेके आया है? तो वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स आपकी इंदस नदी भी लेके आई है, गंगा नदी भी लेके आई है, ब्रह्मपुत्र नदी भी लेके आई है। गंगा में आपका यमुना रिवर सिस्टम इंक्लूड रहता है, देखिए गंगा बहती हुई जा रही है, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र बहती हुई आ रही है। आप बोलोगे सर इंदस नदी तो ऐसे बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है, तो इंदस रिवर सिस्टम यहाँ पे कैसे आ गया? तो ये जो रावी ब्यास सतलज, ब्यास ये रही, सतलज ये रही, रावी इधर है, तो ये जो रावी ब्यास सतलज है वो इस पर्टिकुलर इलाके में अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पे भी तो आपके ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं। तो इंदस रिवर सिस्टम की तीन नदियां रावी ब्यास सतलज ये भी अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ओवरऑल गंगा नदी और यमुना रिवर सिस्टम तो करता ही है, और आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ये तीनों मिला के इन्होंने ये जो 102 किलोमीटर का खड्डा था इस खड्डे को पूरा भर दिया। ये खड्डा आप नदियों के सेडिमेंट से पूरा भर चुका है, और यहाँ पे आपको एल्यूवियल सॉइल नजर आते हैं, बिल्कुल फर्टाइल ट्रैक्ट बन गए। इनफैक्ट ये नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड, लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी इन इलाकों में रहती है। एग्रीकल्चर के लिए इलाके बहुत सूटेबल माने जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फो थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ कवर की है ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे शुरुआत करेंगे।
मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ बता तो दी हैं, लेकिन बहुत सी चीजें यहाँ पे रिपीटेड हैं। ये मैंने आपको पहले भी क्लैरिफाई किया, काफी सारी चीजें यहाँ पे रिपीटेड हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा यूजफुल लगा हो। वीडियो पे ज्वाइन बटन जरूर दबाओ दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े भी यूजफुल लग रहे हैं, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ज्वाइन बटन दबाए बिना मत जाना। आपके ज्वाइन बटन दबाने से मुझे काफी हेल्प है। दैट इज वाई मैं अपने यूजर्स को बोलता हूँ कि आप ज्वाइन बटन दबाइए। किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है आपको चैनल को यूज करने के लिए। सारी वीडियोस हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी जितनी मैं बना रहा हूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो करना चाहें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन बटन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो लोग ज्यादा लोग वीडियो तक पहुंचेंगे, और नॉलेज तो ऐसी चीज है कि भाई बांटने से वो बढ़ती है। मुझे भी मदद मिलेगी तो ये एक और एक्स्ट्रा गुड रक्षा हो जाएगी अगर आप वीडियोस को शेयर कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। harshdwivedi.com वेबसाइट पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।